थैंक यू नहीं हो गया मिला स्टार्टिंग का दोनों रुकवाना है स्टार्टिंग का कोई बात माही माही नहीं बुला नहीं आई एक तीनों का करते ना माही एक साथ में तीनों का करते कम क्लोज हाँ हो गया साथ में जस्ट स्ट्रेट सेंटर हाथ आ रहा है पीछे हो गया वेट फॉर वीडियो हाँ 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 माइक थोड़ा नीचे माइक थोड़ा नीचे बस स्क्रॉल अपहरण सीरीज के बारे में बताइए अपहरण एक जॉनर ब्रेकिंग थ्रिलर है इट्स आल्सो मर्डर मिस्ट्री सेंट्रल कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर एक्स पुलिस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव जो उत्तराखंड में एक जूनियर ऑफिसर था जिसको एक लड़के की मौत की वजह से जो उसकी गलती नहीं थी लेकिन वो केस के दौरान कुछ हादसा हो गया था तो लड़के के बाप ने उस पर सब इल्ज़ाम डाला और उसको जेल भेज दिया तो अपहरण शुरू होता है वो 3 साल बाद जब जेल से निकलता है अब पुलिस की नौकरी तो वापस मिलने नहीं वाली और कोई सिक्योरिटी की भी नौकरी नहीं मिलने वाली क्योंकि जेल जा चुका है उसकी बीवी का अफेयर हो रहा है उसको पैसों की ज़रूरत है वो थोड़ा तो ये सब को कैसे वो फेस करता है और अपनी ज़िंदगी को समेटने में कामयाब होता है नहीं और उस दौरान उसको एक फेम फटाल मिलती है जिसको एक काम देती है जो उसके लिए वो उसमें जब फंसता है फिर फंसता ही जाता है और फिर अब बाकी तो आपको देखना ही पड़ेगा उसको ज़्यादा नहीं बता सकते हाउ वाज इट वर्किंग फॉर ऑल्ट वाला जी इकता कपूर जी के साथ आप सीरीज कर रहे हैं हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑल द टीम वाज वंडरफुल द शूटिंग टीम ऑल्सो एज द पोस्ट प्रोडक्शन टीम ऑल्सो ऑल द देर ऑल वेरी वेरी नाइस दे पुट अप विद मी व्हिच इज ऑलवेज नाइस Yeah, so. Could you share any memories or any like on set कुछ हुआ मस्ती वगैरह ऐसा कुछ हाँ मैं ज़्यादा मस्ती तो नहीं करता हूँ काम में ज़्यादा ही चला जाता है I have run into more bulls you know cows doing the stunts for this thing than I think anybody normally has because I had to run across Ram Jhula a couple of times and I have run into at least 4 bulls Because the crowd, you can't see it, and then you run straight into it, and they're not very, yeah, they're not nice. They're, yeah. Thank you. Everyone else was very happy because it was funny, but not funny for me. So that was the X Factor you would like share with the audience, right? X Factor? No, I'm the X Factor. Running into bulls is an amusing anecdote. Yeah. It's not the X Factor, man. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. अब
अपहरण सीरीज के बारे में बताइए और उसमें आप जो किरदार निभा रही हैं उसके बारे में। ये सीरीज एक पुलिस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव उनकी लाइफ जर्नी पे बेस्ड है और वो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं और फिर एक हादसा होता है जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है। जेल से बाहर निकलने के बाद से कहानी शुरू होती है और उनको कैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और उनको कोई नौकरी नहीं देता है और फिर एक अपहरण उनके तरफ आता है। वो अपहरण स्पेशलिस्ट हैं और फिर उनको एक अपहरण करने के लिए कोई कांटेक्ट करता है और फिर उसके बाद क्या होता है और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ इससे कैसे इफेक्ट होती है। मैं उनकी धर्मपत्नी प्ले कर रही हूँ, रंजना श्रीवास्तव, और उनकी पर्सनल लाइफ उससे कैसे इफेक्ट होती है और रंजना इन सब चीज़ों से कैसे जूझती है। तो हम पूरी सीरीज़ में ये देखेंगे और अपहरण कैसे होता है और फिर अपहरण कैसे ख़राब हो जाता है, फिर क्या होता है। How was it working with Alt Balaji, Ekta Kapoor ji ke sath kaam karte the? It was great. Humne actually starting level se till the end hum sirf script aur jo director ne humko bola hum wahi kar rahe the. Hum logo kabhi bhi aisa feedback nahi aaya ki nahi, you know, the producer wants this aur aisa. To bilkul ek freedom ke sath kaam hua jo hamesha bahut appreciate karte hain hum log aur itne acche se show ko promote kar rahe hain. To it has been really pleasant because jis scale pe Alt Balaji hai aur is tarah ka support milna, hum sabko bahut khushi hai is bare mein. Any memories you would like to share on set memories? मैं ज़्यादातर सेट पे तो अकेले ही थी क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत अकेले पन से गुजरता है, तो मैं ज़्यादातर अकेले ही थी और इवन ऑफ कैमरा भी मैं अकेले ही थी क्योंकि टू जस्ट कीप दैट मूड। मगर मेरी सबसे प्लेजेंट मेमोरी एक्चुअली जगह की थी क्योंकि हमने इसको हरिद्वार और ऋषिकेश में शूट किया है और ऋषिकेश खासकर मेरे लिए मुझे बहुत पीस मिला उस जगह पर, तो उस जगह की मेमोरीज मेरे पास हैं। ओके, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? प्लीज़ वॉच आर वेब सीरीज अपहरण विच इज़ स्ट्रीमिंग ऑन ऑल्ट बालाजी फ्रॉम द 14th ऑफ डिसम्बर। इट इज़ अ 12 एपिसोड सीरीज एंड इट इज़ अबाउट अ किडनैपिंग दैट गोज़ रॉन्ग एंड देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच। थैंक यू। सर, अपहरण सीरीज के बारे में बताइए और इसमें आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं ये बताइए। एक पुलिस वाले की कहानी है जो कि एक्सपर्ट है अपना फिरौती के केसेस निपटाने में, लेकिन एक केस जो है वो कुछ ऐसा फंसता है कि जहाँ पर कि उसको कहा जाता है कि वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो फिर भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसको इस बात का अंदेशा है कि शायद जिसको अगवा किया गया है बच्चे को उसको मार दिया जाएगा। वही होता है, बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता है, लेकिन उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि उसको मतलब फॉल्सली इम्प्लिकेट करके जेल में डाल दिया जाता है। 3 साल के बाद आता है तो ज़िंदगी बिल्कुल बिखरी हुई है और वही है कि काम मिल नहीं रहा है, बड़ा काम मिलता नहीं है, छोटा काम कर नहीं सकता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर जो है वो एक अपहरण केस में जो है अपने आप को फंसा लेता है, मतलब कि वो हाँ बोल देता है एक अपहरण करने के लिए जिसमें कि जिसका अपहरण करना है वो खुद चाहता है कि उसका अपहरण हो जाए, लेकिन फिर वो ये उसके बाद टर्न ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब जिसका अपहरण होता है वो मरा हुआ पाया जाता है और सारा इल्ज़ाम अब इसके सर पे है जबकि इसने किया कुछ नहीं है, तो उसके बाद जो पूरी जद्दोजहद होती है किस तरीके से वो जगह जगह पर फंस के और बाहर निकलता है वो पूरी कहानी है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थ्रिलर। तो इसमें लक्ष्मण रावत नाम का कैरेक्टर है जो कि सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी खुद की और वो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उस लड़की के बाप का जिसका कि अपहरण होता है, तो वो है। प्लस साथ में डायलॉग्स इस सीरीज़ में मैंने लिखे हैं तो वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुल मिलाकर मसालेदार है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज़? एक्सपीरियंस अच्छा तो था, आउटडोर जो है वो डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इनफैक्ट, और चूँकि एक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए आपके पास जो है हमेशा आप लड़ रहे होते हैं समय के साथ, लेकिन काम पूरा हो गया ये एक बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर से फुलफिलिंग था लेकिन हाँ थकाने वाला बहुत था क्योंकि
ऐसे शोज़ में जो है आपको वक्त नहीं मिलता बिल्कुल भी सोचने का, रोज़ दिन रात आप काम करते चले जाते हैं और कोई बैकलॉग खड़ा हो जाए तो वो भी आपको सॉर्ट करना होता है। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस था, लेकिन हाँ, इट वाज टायरिंग। कोई ऐसी मेमोरी ऑन शूट लोकेशन जो आप अभी भी याद रखें? बहुत सारी हैं इनफैक्ट। ऋषिकेश और हरिद्वार में हम लोगों ने शूट किया है, और क्योंकि मैं खुद रहने वाला हूँ वहाँ का, तो एक बहुत अजीब अच्छी सी फीलिंग होती है आपको कि आप अपने घर पे आकर शूट कर रहे हैं। क्राउड्स के साथ शूट करना और उनके बीच में जाकर शूट करना, वो मज़ेदार। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं जो कि मतलब एकदम आपको याद रहे कि अरे ये सालों साल याद रहेगा। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें अच्छे या बुरे दोनों तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि इतने भीड़ के बीच में शूट करने में भी हमें उस तरह की परेशानी नहीं हुई जितनी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आउटडोर में होगी। सो इट वाज स्मूथ सेल एक्चुअली। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे रिगार्डिंग दिस सीरीज? बड़ी मेहनत से बनाए, देख लीजिए, इससे ज़्यादा बड़ा मैसेज और क्या दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। Wait for video. Look there. किरदार क्या है इस सीरीज? कैमरा लुक। अच्छा, आई हैव टू लुक देयर? अच्छा, यू बट यू आस्क मी बिफोर। रोल, आप अपने किरदार के बारे में बताइए, अपहरण में आपका किरदार उसका नाम क्या है और उसको निभाने में आपको कैसा एक्सपीरियंस है? मेरे किरदार का नाम अनुषा है, वो 19 साल की लड़की है जो पिछले 19 साल से, मतलब जब से वो पैदा हुई है तब से अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट पर है, और फिर उसकी जर्नी है कि कैसे वो घर से भागती है, और आगे तो आप देख ही लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत बहुत ज़रूरी, दैट माई फर्स्ट ऑफ ऑल माई डायरेक्टर, ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आई थॉट आई शुड मैंशन दिस, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। एंड देन अरुणोदय, ही वॉज देयर टू गिव मी क्यूज एंड ही वॉज देयर टू मोटिवेट मी एवरी सिंगल टाइम आई वॉज देयर। एंड निधि, शी यूज टू कॉल मी फॉर डिनर एवरी नाइट, एंड आई even though I was not shooting with her, I really gelled up with her. Okay. Any on shoot location memories? Yeah, Rishikesh was fun. Rishikesh mein humne bahut maze kiye, aur mere jitne free dates hote the main massage karati thi aur ghumne jaati thi, to bahut maza aaya. Okay. Any response for the audience? ऑडियंस को ये कहूँगी कि सबने बहुत मेहनत किया है और हमने बहुत हार्डवर्क किया है, खून पसीना आंसू सब निकला है, तो प्लीज़ देखो और डोंट बी वेरी जजमेंटल एंड गिव अस ऑल प्रेजेस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपके किरदार के बारे में बताइए। जो मैं रोल निभा रही हूँ उसका नाम मधु है, जो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और जो मिस्ट्री है वो इसी से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है। ज़्यादा नहीं बता सकती बिकॉज ये थ्रिलर है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मधु बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। ओके, एनी ऑन शूट लोकेशन मेमोरी? आई ऑलवेज इन्जॉय माई शोज, चाहे वो वेब सीरीज़ हो या फिल्म हों, लेकिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इस बार करने में। आई थिंक एक तो जो लिखा हुआ है ये वेब सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं लिखी इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, और इसके जो डायलॉग्स मुझे बोलने में ऑन जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल का इन्होंने डायरेक्ट किया सिद्धार्थ ने, एंड सो ऑन लोकेशन में जो वैसे मज़ा आता है शूट करके। Okay. Any message or any response for the audience? Any message for the audience to watch your series? Yeah, I think सबसे पहले तो मेरी पहली वेब सीरीज़ है, तो प्लीज़ देखिएगा। एंड सेकेंडली ये बहुत ही
मिस्टीरियस, इसमें बहुत सारा थ्रिल है, कॉमेडी है, और बहुत ही कम होता है, रेयर होता है दैट यू नो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड थ्रिल. तो इसमें थ्रिल और कॉमेडी और वो पूरा 70s का मसाला मिलेगा. और बहुत ही कमाल का डायरेक्शन है, वन लाइनर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो वरुण ने लिखी हैं, एंड अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है जो कि ऑल्ट बालाजी है. तो 14 दिसंबर को ऑल्ट बालाजी पर ज़रूर देखिएगा अपहरण. थैंक यू.